डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं 9th क्लास के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, साइंस सब्जेक्ट या फिर वो मैथ सब्जेक्ट हो, हम लोग NCERT बुक को फॉलो करते हैं। तो इस बुक में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट किए थे जिसका नाम मोशन है। अब मोशन में हम लोग सब चीज़ पढ़ते आ रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी किया था उसके बीच का। तो चलिए अब उसके आगे की जो टॉपिक्स है उसको हम लोग सीखते हैं। तो टॉपिक दिया जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन चीज़ों को समझने से पहले कुछ एरो देकर इसका इसमें से जो पॉइंट निकल रहा है इसके बारे में जानने के लिए कुछ हम लोग बात लिखेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को समझेंगे। लिखा जाए, वी नो दैट द चेंज इन द वेलोसिटी could be due to change in its magnitude or the direction of the motion or both। चलिए पहले इन बातों को समझ लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग ये चीज़ें जो लिखे हैं वो क्या है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जब चेंज होगा तो वेलोसिटी किसके वजह से चेंज होता है, तो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब चेंज होता है तब हम बोलते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होता है चेंज कब होता है, कब वेलोसिटी बदलता है, कब वेलोसिटी स्लो होता है, कब वेलोसिटी फास्ट होता है, तो हम ये बोलेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलेगा तब जाकर उसका वेलोसिटी भी बदलेगा। अब ज़रा मतलब समझते हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब दिशा, कि वो किस ओर गति कर रहा है ऑब्जेक्ट, माने पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि वो कितना डिस्टेंस तय कर चुका है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, यानी कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में इतना 10 मीटर चलता है तो उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर हो गया, ठीक है। फिर उधर मुड़ा, डायरेक्शन चेंज किया, 5 मीटर चला, तो अब इसका डिस्टेंस 5 मीटर हो गया दूसरे तरफ डायरेक्शन में। तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोग को जानना चाहिए, हम जानते हैं ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो तभी चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होगा। तो वही बात लिखे हैं यहाँ पे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि चेंज इन द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज किसके कारण होता है, तो ड्यू टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि दोनों ही चेंज होना चाहिए, बोथ लिखा हुआ है। बोथ का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। यानी कि
वेलोसिटी में चेंज तभी आएगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आएगा। जरा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन के कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल में लिखेंगे उसके नीचे, एग्जांपल फर्स्ट, पहला तो ये हो सकता है कि रेक्टेंगुलर ट्रैक, रेक्टेंगुलर ट्रैक, रेक्टेंगुलर ट्रैक भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन है, यानी कि उसको सर्कुलर मोशन में ही रखा जाता है। कैसे भाई? जैसा मान लीजिए, इसका फिगर भी बनाइएगा, हम जितना एग्जांपल बना रहे हैं आप उसको नोट कीजिएगा कॉपी में भी। जैसे मान लिया कि रेक्टेंगुलर रास्ता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना वो शुरू करता है, ठीक है, और वो पहले गया ए से लेकर गया बी तक, बी पॉइंट तक, फिर बी से लेकर सी पॉइंट तक गया, फिर सी से लेकर डी पॉइंट तक गया, फिर डी से लेकर ए पॉइंट तक आया। आप इसके डायरेक्शन को ज़रा देखिए, हो क्या रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई ए आया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ए एक ही रास्ते पे, एक ही पाथ पे अपना जो मोशन को दिखा रहा है, शो कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सर्कुलर मोशन में है। लेकिन ये अलग बात है कि इसका पाथ जो है कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना। यानी सर्कुलर पाथ का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो चारों तरफ अपना मोशन करे, ठीक है, चारों तरफ, जैसे मान लिया यहाँ से शुरू हुआ फिर अपने रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे ये सर्कुलर मोशन में ही आता है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पाथ पे ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जरा एक और ट्रैक का बात करते हैं, दूसरा, जिसका नाम है हेक्सागोनल ट्रैक, हेक्सागोनल ट्रैक। जरा हेक्सागोनल ट्रैक को देखेंगे कि हेक्सागोनल ट्रैक क्या है। हेक्सागोनल किसको बोलते हैं, जिसमें सिक्स साइड हो, जैसे रेक्टेंगल में तो लेंथ और ब्रेथ चारों तरफ से चार साइड हो गया, हेक्सागोनल का मतलब ये हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए इस तरह का पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। अब मान लिया कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये वाला पॉइंट, यहाँ सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है, ए से बी गया, बी पे रुक नहीं रहा, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई आया, ई से एफ, और एफ फिर से एफ से लेकर ए तक। आप इन चीज़ों को देखिए तो ए भी कहीं ना कहीं सर्कुलर है। सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, जो जिस ऑब्जेक्ट का मोशन चारों तरफ हो, चारों तरफ हो, यानी यहाँ से चल रहा है फिर अपने ही पाथ पे आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वही ना हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम ये कतई नहीं बोल रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ है, हम बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है लेकिन चारों तरफ गति कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको रेक्टेंगुलर ट्रैक बोल रहे हैं, हालांकि सर्कुलर मोशन में ही है, ठीक है। ये हेक्सागोनल ट्रैक है, हालांकि ये कहीं ना कहीं सर्कुलर, क्योंकि जहाँ से चल रहा है बार बार अपना मोशन फिर वहीं आ जा रहा है और फिर ऐसा क्रिया कर रहा है। तो आप देखिए, अगर यहाँ से चल रहा होता है तो एक तरह का सर्किल का फॉर्मेट बनाता है, देख पा रहे होंगे, एक सर्किल का फॉर्मेट बना रहा है, ये भी अगर यहाँ से चलता है तो एक सर्किल का फॉर्मेट बनाता है इस तरीके से चारों तरफ। तो हम ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में ही आता है। चलो देखते हैं, एक होता है ऑक्टागोनल ट्रैक। अब ऑक्टागोनल ट्रैक को हम लोग कैसे समझेंगे, तो एग्जांपल नंबर थर्ड है, जिसको बोलते हैं ऑक्टा
गोनल ट्रैक। अब ओक्टागोनल किसको कहेंगे, तो जिसमें 8 साइड होते हैं। ओक्टा का मतलब होता है 8 साइड। जैसे हेक्सागोनल किसको कहते हैं, जिसमें 6 साइड होते हैं, उसी तरीके से ओक्टागोनल किसको कहते हैं, जिसमें 8 साइड होते हैं, ठीक है, उसको ओक्टागोनल कहा जाता है। अब ओक्टागोनल ट्रैक का बात करें तो ओक्टागोनल को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जरा देखिए। जैसे मान लिया एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड हो गया, चार साइड हो गया, पांच साइड हो गया, छह साइड हो गया, सात साइड हो गया, आठ साइड हो गया। देख पा रहे होंगे, जरा आप अच्छे से फिगर को कंप्लीट कीजिएगा। हमसे एक छोटा साइड बन गया, एक बड़ा साइड, तो इसमें बराबर होते हैं। इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका सी देते हैं, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इसका जी, इसका एच, ठीक है। अब चीज़ों को समझिए, ऑक्टागोनल ट्रैक का मतलब इसमें साइड कितने होंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सबसे पहले क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट होगा, ए से बी गया होगा, बी से सी गया होगा, सी से डी आया होगा, डी से ई आया होगा, ई से एफ गया होगा, एफ से जी गया होगा, जी से एच गया होगा, एच से फिर से ए आया होगा। आप देख पा रहे होंगे कि जब इस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो एक तरीके का आप एक सर्किल का फॉर्मेट यानी कि सर्कुलर मोशन के अंतर्गत ही आता है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि जो पाथ है, रेक्टेंगुलर ट्रैक देखे, हेक्सागोनल ट्रैक देखे, ऑक्टागोनल ट्रैक देखे, ये सब जो है सर्कुलर पाथ को यानी सर्कुलर मोशन को शो करता है, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, फिगर के साथ बनाइएगा। अब हम आते हैं सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, और यही सर्कुलर ट्रैक जो है मेरा रियलिटी में सर्कुलर मोशन को दिखाता है। जैसे मान लिया ऐसे, ठीक है, यहाँ से अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर अपने पथ पे चलते रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर ट्रैक। तो टोटल अगर बात किया जाए तो सर्कुलर मोशन क्या है, तो उसके बारे में अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट में करके लिखा जाए। नोट नोट, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ विल यूनिफॉर्म स्पीड, विल यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखिए, अब जो नोट में करके बात लिखे हैं कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ट्रैक पे ही, सिर्फ सर्कुलर पाथ पे ही चले, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सॉरी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे ही फॉलो करता है, अपना मोशन को शो करता है, तभी हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब जरा इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो हम आपको एग्जाम्पल बता सकते हैं कि अगर आप कभी देखते होंगे सेटेलाइट को, जो एक अर्थ के, जैसे मान लिया कि यहाँ पे अर्थ है, तो उसके चारों ओर सेटेलाइट यानी कि ये देख रहे होंगे, ये सब सेटेलाइट उसके सर्कुलर मोशन में मोशन करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि सेटेलाइट जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर, अराउंड द अर्थ, वो
जो मोशन करते हैं वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। अच्छा, कभी आप देखते होंगे कि कोई भी एथलीट एथलीट एक स्टोन को एक पत्थर पर हथौड़े से अगर मारता है, यानी कि जब हथौड़ा चलाता है तो ऐसे ऐसे हथौड़ा चलाता है किसी भी स्टोन को तोड़ने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए, यानी जो यहाँ पे हथौड़ा आया है। यानी कि जो हथौड़ा से अगर स्टोन पे जाकर उसको ब्रेकआउट करता है तो वो भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कुलर का ही एक पार्ट होता है ये। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई अगर स्टोन है, अगर उसमें हैमर, हैमर का मतलब हथौड़े से अगर उस पर ब्रेक किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं वो भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। वही नहीं, अगर मान लिया कि कोई स्टोन को आप मूव्स कर रहते हैं, मूव्स करते हैं, जैसे मान लिया कि एक स्टोन पत्थर लिया और उसमें रस्सी की सहायता से उसको बांध दिया और फिर अपने हाथ के अकॉर्डिंग उसको चारों तरफ घुमाया, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, यानी कि जैसे मान लिया कि एक स्टोन को बांधा और उसको रस्सी से, और उसको रस्सी को पकड़ के चारों तरफ गोल 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 घुमाने लगा, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट करता है, मोशन करता है, चलता है, तो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, जरा आप इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा जाए सर्कुलर मोशन का, ये एग्जाम्पल है, तो नोट में जो करके हम लोग डेफिनेशन लिखें उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन लिखिएगा, ए सेटेलाइट इन अ ए सेटेलाइट, सेटेलाइट का स्पेलिंग SETELLIT, ए सेटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ, यानी कि जो भी सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के अराउंड चारों ओर जो मोशन करते हैं वो सर्कुलर मोशन होता है। एग्जाम्पल नंबर टू लिख लेंगे, एन एथलीट, एन एथलीट थ्रो अ हैमर, थ्रो थ्रो का मतलब होता है मारना, थ्रो अ हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, थ्रो अ हैमर अस्टोन मूव्स सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ तो दो एग्जाम्पल काफी है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझे। तो अगर बात किया जाए तो हम लोगों का जो मोशन चैप्टर था, मोशन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ये जो मोशन चैप्टर था, इस मोशन चैप्टर में हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे, चूँकि NCERT बुक्स में अब साइंस देखेंगे तो बीच में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंत में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जो बीच का क्वेश्चंस होता है उसको क्वेश्चंस के तौर पे करते हैं और जो उसके अंत का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आइए चलते हैं मोशन का एक्सरसाइज, यानी कि सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये मोशन में जितनी चीज़ें हम लोगों ने को पढ़ना था वो सभी चीज़ें पढ़ लिया। अब जरा इसके पीछे वाले जो क्वेश्चंस, मोशन के जो NCERT बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चंस को भी हम लोग करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको नोट किया जाए, अगर वैसे स्टूडेंट्स जिसके पास बुक नहीं है तो नोट कीजिए, अगर जिसके पास बुक्स हैं तो वो क्या करेंगे, मोशन वाले चैप्टर को निकालेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखा जाए, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड, कंप्लीट्स
वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर, ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर, 200 मीटर इन 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं कि सवाल पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जरा अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। बोल क्या रहे कि एक एथलीट है, वो अपना एक राउंड को कंप्लीट करना चाहता है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे मोशन हो रहा है। यानी सर्कुलर ट्रैक का मतलब ऐसे मोशन हो रहा होगा, देख पा रहे होंगे, यानी कि ऐसे मोशन हो रहा है। और उसमें दिया हुआ हमें यह है कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जानते हैं ना, जो सेंटर सर्किल के सेंटर से पास करता है, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। ठीक है, और इसको बोल रहा है कि एक राउंड चक्कर लगाने में, वन राउंड इसको रिवॉल्यूशन करने में 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ से चल रहा है और चारों तरफ से अगर मोशन करते हुए यहाँ पे पहुँचने में उसको वन रेवोल्यूशन का कितना टाइम है, तो आप लिखिएगा गिवेन डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 200 मीटर। तो 200 मीटर दिया है तो हम इसलिए उसका रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस बराबर क्या फार्मूला होता है, d/2, यानी कि डायमीटर का हाफ। तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा क्या, रेडियस किसका, तो उस सर्कुलर पाथ का। अब चूंकि रेडियस भी निकल गया, हमें ये भी दिया है कि वन रेवोल्यूशन टाइम कितना लग रहा है, वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर करने में उसको समय लग रहा है 40 सेकेंड का। ठीक है, जैसे ही 40 सेकेंड हो रहा है वो एक चक्कर काट ले रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है कि अगर हम 2 मिनट 20 सेकेंड तक अगर चलते रहें तो कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना सेकेंड में। हमें दिया है टाइम, कि टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से टाइम भी, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। सबसे पहले इसको सेकेंड में बदल लीजिए। तो 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि ए 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड का होता है, तो 2 मिनट कितने का होगा, 120 सेकेंड का होगा। और इसमें 20 सेकेंड को और ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, अब टोटल 140 सेकेंड, तो आप ये समझिए कि हम 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी कि टोटल हमको 40 सेकेंड में एक चक्कर लग रहा है, तो टोटल 140 सेकेंड में 40 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट है वो कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से अगर कट करेंगे 4 × 12 यानी कि 3.5 रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि 3 चक्कर और आधे चक्कर, 3 चक्कर पूरा कट करेगा और आधे चक्कर, तो कुल मिलाकर 3.5 चक्कर होगा।
तो अब आप ये समझिए कि एक चक्कर में वो डिस्टेंस कितना तय करेगा, तो ये तय करेगा कि इसका सरकमफेरेंस कितना है, क्योंकि एक बार चक्कर करने का जो टाइम होता है उस सरकम डिस्टेंस है उस सरकमफेरेंस से निकालते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, किस फार्मूले से, तो इसका फार्मूला होता है 2πr, और 2πr बोले तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 100, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4400/7 मीटर। आप एक बात देखिए, तो ये डिस्टेंस कितना का है, तो 1 रेवोल्यूशन का, इसलिए टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे, तो 4400 को 3.5 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि टोटल 3.5 चक्कर है, तो यहाँ पे 7×5 35, 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, इतना मीटर का वो दूरी टोटल तय कर पाएगा, तो डिस्टेंस का आंसर हो गया। अब जरा डिस्प्लेसमेंट हम बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी सवाल बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पे आइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अगर सर्कुलर ऐसे है और उसका डायमीटर दिया है कितना 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया होता तो 3.5 चक्कर के बाद वो कहाँ पहुँचता, तो एक चक्कर हुआ ये, फिर से दूसरा चक्कर, फिर से तीसरा चक्कर, और फिर आधे चक्कर का मतलब यहाँ, तो यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल डायमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक के बराबर होगा, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा 200 मीटर। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, तो टोटल इसका बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोशन वाले चैप्टर में हम लोगों का जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस है वो पीछे वाला हम लोगों ने पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ा है। तो अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में टोटल और भी क्वेश्चन है, शायद 9 या 10 है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया है। अगले क्लास में एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 नंबर से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।